हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजी 36 न्यूज पर। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम मिजाज, यानी कि किस जिले में कम बारिश होगी, अधिक बारिश होगी, या फिर तापमान टेम्परेचर में क्या बदलाव आया है, साथ ही बिजली गिरने की संभावना है या फिर वज्रपात होने की संभावना है या फिर नहीं, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सीजी 36 न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना या फिर वज्रपात होने की संभावना आज किसी भी जिले में नहीं बताई गई है। वहीं तापमान टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों, अधिक टेम्परेचर वाली जगह है मुंगेली और कोरबा जिला। दोस्तों, मुंगेली और कोरबा जिले में 31 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। वहीं कम तापमान वाले जगह की बात करें तो कोंडागांव और नारायणपुर। जी हाँ दोस्तों, कोंडागांव और नारायणपुर जिले में 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। बाकी जिलों की बात करें तो दोस्तों, बाकी जिलों में सामान्य में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है तापमान। ओके, इसी के साथ हवा की गति की बात करें तो दोस्तों, तूफान, हवा की गति यानी कि तूफान, तो अधिक हवा चलने वाली क्षेत्र है बेमित्र। जी हाँ दोस्तों, बेमित्र में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं कम वाले जगह की बात करें तो बलरामपुर में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और अन्य जिलों में 15 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली है हवा तूफान। वहीं हल्की फुल्की बारिश या फिर यूं कहें कि ना होने के बराबर बारिश वाले क्षेत्र हैं अंबिकापुर, सूरजपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरिया, बलौदा बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमित्र, कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा और कोरिया, इन जिलों में हल्की फुल्की या फिर ना के बराबर होने वाली है बारिश। इसी के साथ मध्यम से वर्षा होने वाला क्षेत्र है बलरामपुर, जसपुर और दंतेवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, इन जिलों में मध्यम से वर्षा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, अधिक वर्षा होने वाले जगह की बात करें, अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, गौरेला पेंड्रा मरवाही। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आज गौरेला पेंड्रा मरवाही में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना बताई गई है। इसी के साथ दोस्तों, अति भारी बारिश वाले क्षेत्र की बात करें तो आज किसी भी जिले में, कोई भी जिले में अति भारी बारिश होने की आशंका नहीं बताई गई है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा फ्रेंड्स कि आपके जिले का मौसम मिजाज आज कैसा रहा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।